ओम विष्णु प्रिय नमो मित्रों मित्रों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं मित्रों आज लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे टोटके जिसे जानना आपके लिए काफ़ी खास और काफी बेहतर रहने वाले हैं जो जिसे जानकर आप अपने जीवन को सुंदर और सुखमय बना सकते हैं हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे में आप एक चीज रख दो बड़े से बड़ा काम होगा सफल आपके जीवन में काफी खुशियां आएंगी अगर आप एक चीज तुलसी के पौधे में अगर रख देते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी खुशियां आएंगी तो वह कौन सी चीज़ हैं जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको रोजाना समय से मिल सके मित्रों तुलसी को घर के सबसे पवित्र पौधा से में से एक माना जाता है ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है वहीं एक ऐसे मान्यता भी प्रचलित है कि जिस घर में तुलसी का पौधा बिना किसी कारण से के सुखने लगता है वहाँ कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है तुलसी के पौधे की पूजा लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं जिससे घर में खुशहाली बनी रहे मुख्य रूप से स्त्रियाँ तुलसी के पौधे में नियमित रूप से जल चढ़ाती हैं जिससे घर में समृद्धि बनी रहे यही नहीं तुलसी का पूजा के कुछ खास नियम भी हैं और ज्योतिष में इन नियमों का पालन करने की सलाह भी दी जाती हैं ऐसा माना जाता है कि जो नियम पूरक तुलसी में जल चढ़ाता है और तुलसी की पूजा करता है उसे घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है और उस घर में भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है तुलसी के पौधे में एक तरफ जल चढ़ाना अच्छा माना जाता है वहीं यदि तुलसी के पौधे में बृहस्पतिवार के दिन अगर कच्चा दूध चढ़ाया जाता है तो धन लाभ होता है ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु विशेष में यह बताया गया है मित्रों तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाने के नियमों और इनके फायदे के बारे में आपको विस्तार से बतलाते हैं मित्रों अगर आप ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि घर में तुलसी का पौधा लगाने के कुछ विशेष नियम हैं जिन्हें यदि आप नकारा नकारते हैं तो घर में अशांति भी बनी रह सकती है ऐसा माना जाता है कि तुलसी का पौधे को कभी भी गलत दिशा में ना रखें इसे आपको घर के ईशान कोण में रखना चाहिए और भूलकर भी दक्षिण में नहीं रखना चाहिए साथ ही तुलसी के पौधे में नियमित जल चढ़ाना अच्छा होता है लेकिन इसमें कभी भी रविवार और एकादशी के दिन जल ना चढ़ाएं। तुलसी के पौधे की पत्तियों को कभी भी भगवान शिव और भगवान श्री गणेश में ना चढ़ाएं साथ ही तुलसी से आपको काफ़ी लाभ होगा आप अगर आपको बृहस्पतिवार के दिन अगर आप तुलसी के पौधे में अगर आप दूध यानी कि कच्चा दूध अगर आप चढ़ाते हैं तो आप आपके लिए यह धन लाभ का योग बनाएंगे और आपके जीवन में जितने भी कष्ट और आपके कार्यों में जितनी भी रुकावटें हैं वह सारी दूर होंगी मित्रों अगर यह जानकारियाँ आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दें चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस प्रकार का टॉपिक और इस प्रकार के टोटको आपके द्रोजाना आपको समय से मिल सके और आप अपने जीवन को काफ़ी सुंदर और सफल बना सको आपका जीवन और भी ज़्यादा लाभकारी और ख़ास हो जय माँ लक्ष्मी जय माँ दुर्गा